इनको मैं गाइड हेलो भेजेर काम नमस्ते करूंगा पेपुलो, स्वागत छ फेरि पनि मेरो सेम ब्लगमा। किनभने चाहिँ पहिलाको भिडियोमा नेपाल एकदम से आया बेसी ब्लॉग लामो भएर चाहिँ मैले यो कैसे भिडियोलाई कट हो गर्नु सोचा पर्यो। नेपाल से आया हूँ भिडियोलाई चाहिँ मुझे दुईवटा तो नेपाल पार्टमा के हाल्नु बहुत पर्यो आइडिया है। थे अनि त्यही भएर वही यो फेरि सेकेन्ड भिडियो मैले अपलोड गर्दैछु, बनाउँदैछु। प्लिज मेरो भिडियोलाई गएर चाहिँ हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला है। नाट गाका बस सुरक्षा से जो नाता तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया छोड़ेगा। ऐसा नहीं था कोई नहीं ना मुझे तो बड़ा बनो इनसे पूछो पार्ट दिखा रहे हैं ना चिन्ना इनसे पार्किंग पार्किंग में ले जाइए। ये दोनों तरफ पार्किंग है, ये बिल्डिंग खड़ी है, हाँ दोनों पार्किंग है। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 5 मीटर। 5 मीटर है, हम पैदल 3 मीटर घूमते हैं। और मैंने क्या है ना, गाड़ी में जाने से मैंने देखते देखते जाएंगे ना आराम से, कोई नहीं। अंदर जैसे पहुंचेगा ना वहां तो मेरे को रास्ता सब पता है। नहीं इधर बोल रहा है, सुनिए नहीं तो हमको इधर ड्रॉप कर दीजिए। कति पैसा लियो के बाइक वाला ले? यहाँ यहाँनिर आएपछि तपाईँ एकदम सतर्क बस्नुहोस्, एकदम बार्गेनिङ गर्नुहोस्। यिनीहरूले जति भन्यो त्यति नदिनु होला। एकदम 1000 भन्यो भने 500, 500 भन्यो भने 400मा, 400 चाहिँ लास्ट ठिकै हो होइन, उनीहरूलाई पनि त कमाइ चाहियो। 400सम्म चाहिँ एकदम दिने कोसिस गर्नु होला, एकदम हतार पत्तार नगर्नु, एकदम दिमागलाई सेन्टरमा राखेर चाहिँ पैसा बार्गेनिङ गर्नुहोस्। म चाहिँ यति नै अहिले चाहिँ मतलब यो मन्दिर बनेको देखि यति मतलब के भन्छ अरे घुमाउने यो एजेन्टहरू नि जग्गा जग्गा बसेको हुँदो रहेछ। अभी पता नहीं कहाँ जय श्री राम। दीपिका बात है दीपिका तिमी के टिका लाउने? मेरे को बोल रहा है भाई, ये बातें हिंदी समझ में आता है? चलो चलो मंदिर का दर्शन करना सर, अगर जूता सेफली लगता है तो आप गाड़ी में खोल लीजिए। जूता उठा खोलो, चलो जूता खोलिए, हनुमान जी का दर्शन करना है तो। अरे वहाँ तक घूम लीजिए, वीडियो बना लीजिए, बाहर उतार सकते हैं लेकिन अंदर ही करेंगे।
बैठते क्योंकि यहाँ जोड़ी का मान है, यहाँ पर भगवान राम जी शादी करके आए, हस्बैंड वाइफ आए उस साथ में बैठ जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। अभी आपको जिस मंदिर में आए हैं वीडियो बनाई, इस मंदिर का नाम है श्री राम जी का राजमहल राम दरबार। प्रभु राम के प्रभु राम का नाम हमारा विश्वास है क्योंकि राम भगवान जब समुद्री में समाधि लेकर बैकुंठ गए उसी समय पूरी अयोध्या नगरी जब से डूब गई। उज्जैन के राजा विक्रमा देवी जी ने अयोध्या नगरी को दोबारा बनाया। भूमि वही है, मर्यादा वही है, समय के अनुसार बनते गए बिगड़ते गए। दरअसल अभी भगवान का मन लगा भोग लगा हुआ है जिसे थोड़ी देर के लिए बंद, अभी थोड़ी देर बाद भोग लग रहा किस तरह का दर्शन है जो भोग लगने के बाद चांदी का फाटक है, चांदी का सिंहासन, सोने का मुकुट, दूल्हे के रूप में श्री रामचंद्र जी है और दुल्हन के रूप में माता सीता। आज भी माताएं आती हैं अपने फैमिली के कल्याण के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, सीता माता के लिए सुहाग मिठाई छल्ला वस्त्र वगैरह श्रृंगार का वस्त्र वगैरह लाके आती है मंदिर में दान करते हैं क्योंकि अयोध्या में साथ मंदिर भगवान के श्रृंगार के लिए वस्त्र वगैरह निकाल आते हैं। नहीं मालूम लगता है भगवान को देखा है जो आप दक्षिणा शुरू भगवान के चरणों में रख देते हैं वो आपके श्रृंगार में रूप लेता है। मंदिर की मर्यादा है प्रतिदिन यहाँ पर श्रृंगार बदलते हैं, भगवान सेवन डे सेवन का लगता है घर में श्रृंगार होता है। आज संडे से भगवान को अपनी जगह का श्रृंगार लगा हुआ है, एवरी डे घर में श्रृंगार चेंज होता है। अंदर में सीता माता के मंदिर में जहाँ पे हर भी प्रतिदिन साधु संत महात्मा का सेवा होता है, जहाँ पर सीता जी ने पूजा बनाया था आज जानकी माता का कुआं है इसको सीता माता का कुआं बोलते हैं। अंदर में अब वीडियो बन बनाएगी केवल माता का बोलते हैं अंदर में लाओ यहाँ पर सीता माता ने जहाँ किसी को स्थान था छोटे बच्चे को नहीं लेके जाते आई राधा कृष्ण यहाँ जो राधा कृष्ण जी
जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। तुझे गली में गूंज, इधर मत रखना गड्ढा है। तुझे गली में गूंजेगा मैं जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा फिल्म बनी शूटिंग है आश्रम जो वेब सीरीज आप लोग देखे होंगे अंदर नहीं जा सकते क्या? मैंने बाहर तक क्या बोला श्री राम, जय श्री राम। उनका जय श्री राम, बस गाल में नहीं, इनका भी खाली फोरहेड में लगा दे, गाल में नहीं है। जय श्री राम। लो 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 लो, ये पकड़ा। ओहो, ये तक भटका दिए है ना पूरा। मुझे को ना बोना, ओ यहाँ अगाडि को भत्काई दिए सर, यो यो वाला यहाँ पनि बिल्डिङ थियो, पुराना किल्ला थियो।
सामने हनुमानगढ़ी था गढ़ वाला हनुमान मंदिर देख करके भाई साइड में आपका राम जन्मभूमि है मेन मंदिर एक उन्हें क्या पढ़ा था हनुमानगढ़ी की लाइन लगी वो मंदिर जा रहा है सामने मेरा बंदा भी रहता है रहने में तो यहाँ पे एक लेकिन मैंने उनसे पास बनवाना था नहीं तुम्हें पास नहीं बनवा पास है कौन बोला वीआईपी गेट है पास तुम्हें नहीं बनवा इतनी पब्लिक आ रही है कि पास वाला सिस्टम नहीं जोड़ दिया गया है अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना आपको बात कर लीजिएगा राम मंदिर पर अगर हो जाए तो राम मंदिर आपको पास जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी अभी कल परसों तो सब लोगों के पास में है वो आर्मी में है मैं भी खुद आर्मी में हूँ मैं खुद ही हूँ आर्मी में लेकिन म स्पिड आएँ उनीहरू स्पिड आएछ म त पकडा गएर भोलि फोटो भिडियो सुट गरिदिउँ भनेको त भारत
स्टॉल 30,000 जय श्री राम। इधर का लोकल चाट है सर। ठीक है सर, पहले हनुमानगढ़ी चलते हैं तब इधर को। हनुमानगढ़ी में भीड़ भड़क, कोई इधर जा रहा है कोई हम टिकट से भी ट्राई करेंगे, आप बता दीजिए। हाँ मैं काठपुट है हमारे पास, मेरे पास है, मैडम के पास है। मैंने बोला था वहाँ तक छोड़ने के लिए सर, लेकिन मैं आपको लेकर भी चल रहा हूँ। इतना टाइम दे रहा हूँ सर, टाइम के अकॉर्डिंग आप अगर कुछ आप खुद होइएगा तो हमारा पेमेंट भी आप बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि मेरा काम बता वहीं तक छोड़ने के लिए, मैंने बोला था हनुमानगढ़ी गेट पे आपको छोड़ दिया, लेकिन आप तो आप स्टाफ वाले हैं, आप देश के रक्षक हैं, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगा। आपकी जानकारी पहले मार्केट इतनी इतनी बड़ी इतनी बड़ी थी। हाँ छोटा था, मैं आया था, मैं आया हूँ दो तीन बार। टाइम कब आया था? लास्ट टाइम मैं आया था अभी 6 महीना पहले, जब उर्गन हो 6 महीना पहले आया था। उस टाइम क्या आगे बेरर रस्सी रस्सी बांध के रखे थे मंदिर, जो मंदिर उर्गन हो रहा है। हाँ पतला रस्सा साइड में दुकान थे, चाट का ये वो दुकान था इधर में। और रास्ता भी इतना, ये तो अभी बना है, ये वाला जो डाला है। इधर ही है ना प्रयागराज में, प्रयागराज। हाँ आप लोग बर्थ प्लेस कहाँ से? हमारे वेस्ट बंगाल। ये पूरे मकान पूरे दुकान एक जैसा मॉडल है, पूरे एकदम है। आपको मिली दिया मुझे धीरे धीरे भन्दा एकदम आज चाहिँ कुनी के भर एकदम पानी परि रहेको छ, हामी लुचुपे भिजि सक्यो तर मजा आइरहेको छ। हनुमानगढ़ी जाएंगे यार, हनुमानगढ़ी लाइन बहुत ज्यादा है तो जाने चलना पड़ेगा। इसकी कुछ वीडियो स्टेप चढ़ना पड़ेगा इसकी। नमस्कार कर लीजिए। अरे राम जी को पूछने से हनुमान जी खुश होता है। चलो अच्छा अच्छा
रुके लड्डू लेते हैं। हाँ फिर सही रहेगा। चले जाओ। लो बना। कौन सा स्वीट चाहिए? कैसे दिए? देसी घी वाला दीजिएगा, वो ज्यादा दिन तक खाता है। कौन सा वाला देसी घी वाला है? कौन? ये क्या है? हाँ ये पेड़ा है, ये पेड़ा। कौन सा वाला पेड़ा है? किचन पेड़ा। किचन पेड़ा दोनों एक जैसा ही है? ये पेड़ा दोनों एक ही है? दोनों एक ही है, साइज थोड़ा। अरे ये लगाना है वो है गुरचंद पेड़ा दोनों है। कट कट ले के कीजिए, कट दे कीजिए, एक कीजिए। सुनिए ना, लड्डू एक के जी कीजिए, आधा आधा के जी जो करके डालिए, एक के जी मत डालिए। 20 में कैसे फायदा होता है? 20 में फायदा होता है? 20 में कैसे फायदा होता है? 20 में लॉस पड़ रहा है। आप किसी करके डालना, लेकिन ये छोटा वाला डालिए, छोटा वाला।